नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। आज हम बात करेंगे सीपीएल के स्क्वाड जमैका टहलवाज के बारे में। जमैका टहलवाज के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा शेकी टाइम उनका रहा है सीपीएल 2020 की शुरुआत से पहले, स्पेशली क्योंकि क्रिस गेल ने मैनेजमेंट को एक्यूज़ किया था और स्पेशली उनके डायरेक्टर राम नरेश सर्वन को कि उन्होंने सही तरीके से उनको ट्रीट नहीं किया। गेल ने यह भी कारण दिया इस फ्रेंचाइजी को छोड़ने के लिए फॉर सेंट लूसिया ज्यूक्स। हालांकि गेल ने विड्रॉ कर दिया है सीपीएल 2020 इटसेल्फ में से, डिस्पाइट मैं आपको बता दूं कि जो टहलवाज दो बार के चैंपियंस रह चुके हैं 2013 में 2016 में, और टाइटल रन्स के अलावा मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी बार, यानी 2019 की अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो थर्ड प्लेस पे इन्होंने बेसिकली फिनिश आउट किया था। वक्त आ गया इनकी स्ट्रेंथ वीकनेस पर बात करने की। इनकी स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है? टहलवाज की स्ट्रेंथ यह है कि एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसने फील्ड किया है 11 लोकल प्लेयर इन अ मैच, बट सिंस देन उन्होंने अपने पाथ को एक तरीके से चेंज किया और फॉरेन प्लेयर्स को, जो कि आउटसाइड के फॉरेन प्लेयर्स हैं, उनको चांसेस देना उन्होंने शुरू किया, जिसमें उन्होंने रोपन किया साउथ अफ्रीका के लेग स्पिनर तबरेज शमसी को, नेपाल के लेग स्पिनर संदीप लामिछाने को, ताकि उनकी बॉलिंग में एक विविधता आ जाए। इसके अलावा कैरिबियन फ्लेवर भी है, आंद्रे रसल है, कार्लोस ब्राथवेट है, जर्मानी ब्लैकवुड है, रोमन पावेल है, कैप्टन जो रह चुके हैं लास्ट सीजन के चैडविक वॉल्टन हैं जो विकेट कीपर हैं, पेसर ओशाने थॉमस हैं जो कि स्क्वाड को एक तरीके से ऑलराउंड लुक देते हैं। वीकनेस पर बात करते हैं कि वीकनेस क्या है। जो जमैकन्स हैं, प्रोबेबिलिटी मैं कह सकता हूँ रिलाई बहुत ज़्यादा करते हैं रसल के ऊपर और ब्राथवेट के ऊपर, ताकि वो इम्पैक्ट बनाए उनकी टीम के लिए। इसके अलावा शमसी और लामछन्ने पर भी प्राइमरी तौर पर वो रिलाई करते हैं स्पिन के लिए, बट जो रेस्ट ऑफ द लाइनअप है उतनी श्योर नहीं है कि वो उतना इम्पैक्ट डाल सकती है, करंट सिचुएशन परफॉर्म कर सकती है कि नहीं है। इनकी स्क्वाड क्या है मैं आपको बताता हूँ। आंद्रे रसल हैं, संदीप लामिछाने हैं, कार्लोस ब्राथवेट हैं, रोमन पावेल हैं, ग्लेन फिलिप्स हैं, चैडविक वॉल्टन हैं, ओशाने थॉमस हैं, आसिफ अली हैं, फिडल एडवर्ड्स हैं, प्रेस्टन मैक्सवीन हैं, एंड्रे मैकार्थी हैं, निकोलस कर्टन हैं, जेवियर रॉयल हैं, नक्रुमा बोनर हैं, वेरासामी परमल हैं, इसके अलावा रायन पर्सुड हैं, तबरेज शमसी हैं। इनके अलावा मैं आपको बताता हूँ किन स्टार्स को आपको वॉच आउट करने की ज़रूरत है, जिसमें आंद्रे रसल हैं, कार्लोस ब्राथवेट हैं, संदीप लामिछाने हैं, तबरेज शमसी हैं। प्रेडिक्शन मैं आपको बता देता हूँ, टॉप फोर तो फिनिश करेगी सीपीएल 2020 में, क्योंकि स्क्वाड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर इसको टॉप टू में क्वालिफाई करना है तो उसके लिए जो रिलायबिलिटी है कुछ प्लेयर्स पर इसको कम करनी पड़ेगी, चाहे वो रसल हो, चाहे वो ब्राथवेट हो, या फिर तबरेज शमसी हो। इन स्पिनर्स पे जो ऑलराउंड प्लेयर हैं जैसे कि रसल जैसा खिलाड़ी है जिस पर KKR भी बहुत हैवीली रिलाई करती है IPL में, तो इन खिलाड़ियों पर आपको रिलायबिलिटी कम करनी पड़ेगी और बाकी खिलाड़ियों को स्टेप अप करना पड़ेगा करंट सिचुएशन पे। तो ये थी हमारी डीप एनालिसिस जमैका टहलवाज के बारे में, और देखना होगा किस तरह से परफॉर्म करती है CPL में, जो कि खेला जाएगा 18 अगस्त से 10 सितंबर को। देखना होगा कितनी स्ट्रांग प्लानिंग के साथ उतरते हैं मैच में, ये देखने वाली बात होगी। सो ये थी हमारी कंप्लीट एनालिसिस इस टीम के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।